से हम शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, शाबिश सर, बताइए इस फिल्म की टाइटल और ये दो भाषा में, अभी आज ही पता चला हिंदी और गुजराती में दो अलग लैंग्वेज में आ रहे हैं। हिमायत सर बैठे हैं, अनिल सर हैं, बाकी आर्टिस्ट आने वाले हैं, तो ये फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई और कब रिलीज है? बगल में डिस्ट्रीब्यूटर ही बैठे हैं, तो क्या कहेंगे? ये जो कहानी है, इसका बैकग्राउंड जो है, बैकड्रॉप है, वो गुजरात का है, और इस वजह से हम लोगों ने कुछ पोर्शन गुजरात में शूट किया और कुछ बॉम्बे में शूट किया। इसलिए इसको हम लोगों ने दो लैंग्वेज में बनाया, क्योंकि वहाँ पर हम लोग काफ़ी सिंगल स्क्रीन को भी हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है वहाँ पर मतलब काफ़ी इंटीरियर में जो है मल्टीप्लेक्स वगैरह तो है नहीं, इसलिए हम लोगों ने सोचा इसको गुजराती में भी बनाते हैं, और हिंदी तो है ही, मतलब तो हिंदी में काफ़ी मतलब थिएटर कवरेज हो जाएगा। तो जैसा टाइटल है द रियल एनकाउंटर, तो एनकाउंटर किसका हो गया है और किससे इंस्पायर्ड है ये कहानी, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये एक इनकाउंटर हुआ था गुजरात में, जो काफ़ी मतलब चर्चा में रहा, और करीब करीब 8-10 साल तक उसके केसेस वगैरह चलते रहे, तो उसके इंस्पायर्ड होकर हम लोगों ने एक ड्रामेटाइज किया कहानी को, और हमारे प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहानी बनाई, उनका ये आइडिया था कि इसको ड्रामेटाइज करते हैं, कि किस तरीके से जो है आपके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं, तो इनकाउंटर करते हैं, उनके पीछे जो कंट्रोल रूम में होते हैं, और फिर पॉलिटिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हर एक की सिचुएशन अपनी अपनी अलग होती है, तो कोशिश की हम लोगों ने कि उन लोगों के कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसको दिखाने की कोशिश, तो ये एक जो इनकाउंटर से उससे इंस्पायर होकर हमने इसको बनाया। मैं सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपके फिल्म में, इस किरदार के बारे में कुछ बताइए। किरदार, हाँ, कमिश्नर, अभिनेता एक ऐसा होता है। मेरे बहुत ही पुराने दोस्त थे, जब मैं इंडस्ट्री में नया नया आया था तब ये मुझसे मुलाकात किए थे, लेकिन 30 साल के बाद, 30-32 साल के बाद मैंने इनके साथ पहली बार काम किया है। इन्होंने मुझे रोल बताया, एक कहानी ऐसी जिससे, जो जब इन्होंने टाइटल बताया कि रियल इनकाउंटर, तो मैंने कहा ये तो तकलीफ आ जाएगी, तो बोले नहीं, ये हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं एक इनकाउंटर से। तो मैंने कहा फिर ठीक है, करते हैं। तो जब रोल मैंने सुना तो मुझे अच्छा लगा। और आप सब लोग तो जानते हैं कि जब इस तरह की कहानी होती है और पुलिस वाले जब इसको अंजाम देते हैं, वो मजबूरी में हो जाता है। जैसा मेरे किरदार में आपने देखा होगा कि ऑर्डर तो मैं देता हूं, लेकिन अब मजबूरी ऑफिसर्स के सामने क्या होती है, उसके वजह से वो इनकाउंटर कर लेते हैं। तो आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, लेकिन दूसरे और भी मीडियाज होते हैं जो छोटे मोटे होते हैं, वो इसको इतना उछाल देते हैं, इतना उछाल देते हैं कि हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो ऑडियंस है, वो इसमें खो जाती है और उसको वाकई रियल समझ लेती है, जबकि ऐसा होता नहीं। तो बस यही चंद बातें हैं जो देखनी पड़ती है, लेकिन मीडिया वाले बहुत ज्यादा उछाल देते हैं, इतनी सी बात को बड़ा कर देते हैं, तो वो जो ऑडियंस में बात फैलती है, होता है ऑफिसरों से गलती होती है, मारना किसी और को चाहते हैं, मर कोई और जाता है, लेकिन उनकी भी तो अपनी जिम्मेदारियां होती है ना, उनकी भी तो अपनी फैमिली होती है, वो अपने आप को बचाएंगे पहले। आप लोगों ने, सबने फ्लाइट में सफर किया है, फ्लाइट में कहते हैं ना कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम पहले करें, उसी तरह की थी हमारी हमारी पुलिस भी होती है, पुलिस अच्छा करना चाहती है। और इसी जरिए, कहानी के जरिए हम लोगों ने बताने की कोशिश की है कि भाई ये एक इनकाउंटर था, रियल बनाया गया नहीं है, था, उसको हमने बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ड्रामेटाइज ड्रामेटाइज करके, स्क्रीन प्ले करके बनाया। अच्छे से बना के आप लोगों के सामने पेश किया है। कहीं ईश्वर जहान वाला मैटर है, उससे रिलेट करता है, गुजरात का बहुत फेमस था एनकाउंटर नहीं नहीं ईश्वर नहीं जहान नहीं ये का। किसी से कोई किसी से कंसल्ट नहीं होता है। इशरत जहां तो बहुत बड़ा है, उसको हम लोग कहाँ ला सकते हैं स्क्रीन पर, तो ये किसी से इंस्पायर्ड मतलब नहीं है काफी एक। चीजें हमने हाँ, उसमें मिक्स एंड मिंगल अप करके अपने हिसाब से कहानी बनाई है, ये ड्रामेटाइज किया है, किसी ना किसी एक की तकलीफ है, इंटरटेनमेंट वैल्यूज भी है। क्या ये फिल्म देखने के बाद आप लोग अपने हिसाब खुद से ही पॉइंट ऑफ खुद व्यू ही खुद बनाएंगे, ही बता, टच किसी का नहीं है, आप टच किसी, अगर किसी कोई के कमेंट घर भी। का कोई बेचारा एनकाउंटर में चला जाता है तो अपने से जोड़ लेता है, तो ऐसा किसी से कोई कहानी किसी से जुड़ी नहीं है, अलग। अनिल सर, आपकी गाड़ी चल रही है, गाड़ी को हम रोकना है, उसके रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक, ब्रेक के लिए ब्रेक ऑयल,
लुब्रिकेशन सब कुछ लगता है। अब बेसिकली पॉलिटिक्स गेम ही ये है कि कैसे किसी की गाड़ी चलाई जाए और कैसे किसी की गाड़ी रोकी जाए। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था जो कि पॉलिटिशियन बनने में बहुत मज़ा आता है, पावर की फीलिंग आती है, जैसे जज की चेयर पर बैठ के जज फील होता है आपको अपने पावर की, कि इसको आप जेल भेज सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो एहसास होता है। वैसा ही इस फिल्म में काम करके बहुत मज़ा आया। साबिर भाई से तो बहुत पुरानी पहचान है, जब इन्होंने कहा कि आपको आना है और अपने को ये करना, हमने कहा जरूर करेंगे। और वाकई अच्छी लाइनें थी, अच्छे डायलॉग थे, अच्छा सीन था, मज़ा आया। काफ़ी कुछ काम एक एक्टर का बहुत आसान कर दिया था साबिर भाई ने, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि यार इधर से टेक लो, उधर से टेक लो, इधर से टेक लो, कम से कम 8 टेक देने होते थे। बट मैंने जब साबिर के साथ हमने काम किया तो हमें ऐसा नहीं लगा कि यार हम काम कर रहे हैं, हंसते खेलते आए, एक चाय पिए, जो चुस्ती किए, भाई शॉट दिए, चले गए, बोले हो गया, हाँ सर हो गया, फिर नेक्स्ट वही गुजराती में बोलना। जब आप फिल्म प्लान कर लेते हैं, आपके माइंड में फिल्म होती है एक मेकर के, तो आपको पता है इस सीन में मेरे को इतना चाहिए, तो आप उतना ही लेते हैं। हाँ। जब आपको नहीं पता, जो आजकल टीवी में होने लग गया है कि साहब आप कैमरा ऑन, इस एंगल से पूरा शॉट लो, इस एंगल से पूरा शॉट लो, पूरा मिड क्लोज, दैट इज नॉट डायरेक्शन। डायरेक्शन इज नोइंग व्हाट यू वांट, टेकिंग दैट मच एंड लीविंग द रेस्ट बिहाइंड। थक जाता है एक एक्टर जो है ना, वो थक जाता है, लेकिन इनके साथ काम करके हमको थकान महसूस नहीं होती। सीन करते थे, चले जाते थे, फिर हमने कहा कि भाई कुछ रिटेक देना है, बोले नहीं नहीं हमारे पास है, तो बस ऐसे हंसते खेलते बन गए। बेसिकली क्या है कि मैं एडिटिंग से हूँ और मेरे डैडी भी जो है एडिटर थे, बढ़िया मूवी टर्म में काम किया करते थे, मतलब मेरे ख्याल से 1942 से लेकर 1982 तक तो उन्होंने काफ़ी फिल्में की। शेख इस्माइल नाम है उनका, उन्होंने मतलब रिपोर्टर राजू में फिरोज खान को इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद में फिर जरी वाला क्या संजय कुमार को निशान में इंट्रोड्यूस किया था, काफ़ी मतलब पारस मनी वगैरह काफ़ी फिल्म। तो मैं बचपन से एडिटिंग मोहिला पे हम लोग देखा करते, फिर जब मैं शुरू हुआ तो एडिटिंग से ही शुरू हुआ, तो शुरुआत में एडिटिंग में था, जब फिर डायरेक्शन में आया तो फिर रमेश जी से लेकर फिर आर्मी में मुकुल जी के साथ में काफ़ी लोगों के साथ में काम किया। तो हमने सोचा कि ये जब से ये डिजिटल आ गया तो लोग क्या करते हैं कि पहले क्या हमारा एक प्रेशर होता था कि हम एक्स्ट्रा स्टॉक यूज़ नहीं करेंगे, स्टॉक महंगा होता था, तो वो एक हमारा स्कूलिंग है कि जितना चाहिए उतना ही पहले ही डिफाइन कर लें। और मल्टी कैमरा सेटअप सभी लोग कहते हैं आज की तारीख में कि अच्छा होता है, लेकिन उसमें जो भी लाइटिंग होती है उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट कैमरामैन कर सकता है, बाकी चीज़ें जो है बाद में फिर DI में करेक्ट की जाती है। और कई सीन्स ऐसे होते हैं जो मल्टी कैमरा सेटअप में अच्छा होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज हर सीन में ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे आर्टिस्ट अच्छे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मल्टी कैमरा सेटअप में इमोशनल सीन्स वगैरह है तो रिटेक मैच नहीं होती, वो ठीक है, लेकिन हर जगह यूज़ करने का कोई मतलब नहीं आता, जिसमें पूरे पूरे सीन्स वाइड में भी ले रहे हैं, मास्टर में भी ले रहे हैं, और फिर क्लोज में भी ले रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। और फिर ये होता है, मैंने एक चीज़ देखा, जितने ज़्यादा टेक होते हैं तो आर्टिस्ट थक जाते हैं, 2 या 3 टेक 4 टेक तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में जब वो आर्टिस्ट होता है तो उसकी थकान जो है वो स्क्रीन पे दिखती है, तो हर एंगल से जो अलग अलग मतलब शूट करते हैं। साबिर सर, एक फिल्म आई थी जोली LLB करके, जिसमें सेम मल्टी कैमरा सेटअप उठाया गया था, तो क्या उससे कुछ अलग होने वाली है फिल्म, या फिर नहीं? देखिए, क्योंकि वो चीज ऑलरेडी लोग देख चुके हैं, तो क्या अलग होगा इस फिल्म के? देखिए, जॉली LLB का कंटेंट अलग था, सब्जेक्ट अलग था, और उसमें जो लोगों ने किया है वो उस सब्जेक्ट के साथ। हमेशा क्या होता है कि मैं कभी भी किसी को मतलब ये टाइप नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए देखिए, पहले के लोग जैसे हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से स्टॉक यूज़ करते थे, सब्जेक्ट के हिसाब से कैमरा टेकिंग और टेकिंग यूज़ करते थे। ये जॉली LLB का उसका अपना एक थॉट था, उसके हिसाब से उन्होंने किया है। हम लोग जो है अभी जैसे इसमें एक्शन भी है, गाना भी है और बाकी सब चीज़ें भी हैं, तो इसका थॉट अलग है। अगर कोई हम लोग जैसे अभी मैंने 2 फिल्में की थी, एक डबल क्रॉस, एक करार, तो करार में हम लोगों ने किया कि मतलब उसमें पूरी फिल्म का कलर हम लोग DOP के साथ में बैठ कर डिसाइड करते हैं कि फिल्म को क्या कलर देना। पहले भी ये होता था कि हम कौन सा स्टॉक यूज़ करेंगे, कहीं ऑरो यूज़ करना है, कहीं गेवार्ड करना है, या कहाँ टेक्निकलर करना, तो उस हिसाब से फिल्म का बेस डिसाइड होता था।
और टेकिंग भी मेरे ख्याल से उसी टाइप से डिसाइड होनी चाहिए कि हर जगह जो है हम लोग कैमरा हैंडल शॉट्स यूज नहीं कर सकते। कई फिल्में कई सब्जेक्ट रिक्वायर्ड करते हैं कि सटल लो, तो ये चीज़ें हैं। तो वो अलग अलग टेक्निक डिपेंड ऑन सब्जेक्ट है। अगर पीरियड ड्रामा कर रहे हैं तो वहाँ की टेक्निक अलग होगी, अगर थ्रिलर करेंगे तो उसकी टेक्निक अलग होगी। मतलब टाइप कास्ट नहीं होना चाहिए कि मैं अगर डायरेक्टर हूँ तो मेरी फिल्म ऐसी ही होनी चाहिए, सब्जेक्ट जो डिमांड करता है उसके हिसाब से। सर, ये जो आपने पिक्चर बनाई है, मैसेज किस लोगों को देना चाहते हैं, क्राइम पर है या? देखिए, ये बेस्ड तो क्राइम है। अब इसमें क्या है कि जिस जो क्रिमिनल है उनका पॉइंट ऑफ व्यू और जो पुलिस जो ऑफिसर्स हैं जो लोग इनकाउंटर करते हैं, जो उन्होंने किया है, उनका उनकी उस फील्ड में सिचुएशन उनकी क्या होती है, फिर उनके जो हेड्स होते हैं जैसा भी ये हैं DIGs और जो कंट्रोल रूम में जो बैठे होते हैं उन पर क्या प्रेशर होता है, और फिर इतना सब कुछ होने के बाद में अपनी जान पे खेल के वो लोग जो भी काम करते हैं और उसको फिर सर्टिफाई जो भी करता है मीडिया या और भी लोग हैं, और फिर उसको कैसे पॉलिटिसाइज किया जाता है, तो इसका मिक्सचर है ये फिल्म। दिखाना यही चाह रहे हैं कि सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ। तो कई बार क्या है, मैंने ये कहा ना कि फर्जी इनकाउंटर वाली बात जो है, एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोग पहले एक न्यूज़ देते हैं कि आज एक आदमी को पकड़ा जो टेररिस्ट है या जो क्रिमिनल है, अब वो अरेस्ट होगा, केस होगा, तब पता चलेगा कि वो क्रिमिनल है या नहीं। हम कभी ये न्यूज़ नहीं लिखते कि एक नागरिक को पकड़ा, तो सर्टिफाई तो पहले ही आपने कर दिया। आपने कभी ऐसा सुना कि भाई एक घर के ऊपर हमला बोल दिया वहाँ टेररिस्ट है, तो ये पता कैसे चला? तो अगर आप हेडलाइंस को आप देखिएगा तो ये तो जब दो साल तीन साल जब भी केस चलेगा उसके बाद पता चलता है कि वो बाइज्जत बरी हो गया, तो हम कैसे उसको फर्स्ट न्यूज में हम लोग सर्टिफाई कर सकते हैं। सर, एक चीज बहुत अच्छी ऑब्जर्व की मैंने, जो बुलेट की शॉट्स है बहुत रियलिस्टिक लग रहे थे, इसके लिए कुछ खास तैयारियां की गई क्या, ऐसे हो गया? नहीं, बुलेट्स हम लोगों ने रियल मतलब यूज किए हैं जो है मोस्टली जो है, और बहुत पुराने हमारे जो है, मैं एक्शन में राम साहब के साथ में 6-7 साल रहा हूँ, राम शेट्टी के साथ में कुछ क्वेश्चन मैंने शूट किया एक्शन, और बाकी सिराज भाई वो भी राम शेट्टी के साथ में रहे, उन्होंने काफ़ी फिल्में की साथ में, मैं डायरेक्शन में था उनके साथ में, आदमी वगैरह किए उन्होंने, गद्दार किए, उसके बाद में फिर उससे पहले भी एक फिल्में की AK-47 की हमने, तो थोड़ा बहुत एक्शन का होने की वजह से सीखा उनसे। म्यूजिक एक ही गाना रखा है हमने, क्योंकि थोड़ा सा एक ही आइटम गाना रखा है हमने थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि ओवरऑल जब हम लोग पिक्चर का ग्राफ देखते हैं तो थिएटर में साइकोलॉजिकली आदमी के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सिचुएशन ऐसी थी कि, और जितने भी लोग क्राइम करते हैं तो क्राइम से पहले भी वो लोग रिलैक्स अपने आप को करते हैं, जितने भी सपोज लीजिएगा कि काउंटर किलर मतलब क्या उसको बोलते हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोलो या जितने भी जो भी क्रिमिनल भी होते हैं ना जो पेड होते हैं, तो वो लोग अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ एन्जॉयमेंट के लिए कुछ करते हैं, क्योंकि 24/7 वो लोग वो सोच नहीं सकते कि हमको जाना है, अटैक करना है, करना वो अपनी अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ इंजॉय करने के लिए रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, तो उसलिए एक गाना डाला। सो फिल्म कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का बहुत बढ़िया माध्यम है, आप खुद मानते हैं कि फिल्म में एंटरटेनमेंट भी होना बहुत जरूरी है, तो फिल्म में केवल एक्शन देखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा, रोमांस देखने को मिलेगा या मेलोडी गाने देखने को? ये कुछ पैकेज परोस रहे हैं सर, मैं क्या बता रहा हूँ इसमें, ये जैसे मैं भी कमर्शियल सिनेमा से ही हूँ तो उसमें सारी चीज़ें, जहाँ पर जैसे पुलिस की जो मैंने देखा कि उनकी बेबसी है वो भी है उसमें, उनका उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और ड्यूटी को जो ओबे करने के बाद में उनके साथ में क्या होता है, ये उनकी एक मजबूरी है। जो लड़की या लड़का जो है उन लोगों के अपने रोमांस और जो भी उनके लाइट मोमेंट्स हैं और वो किस तरह से उस चीज़ में फंस जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने आप को इनोसेंट भी कहती है तो है तो क्रिमिनल के साथ तो क्यों है, तो वो एक हमारा एक लाइट पोर्शन है। अच्छा, बच्चे जो है अनजाने में किसी से दोस्ती बना लेते हैं और उससे जो है माँ बाप को किसी को पता ही नहीं होता कि किसके साथ में कहाँ जुड़े हुए, जैसे ट्रेलर में देखा होगा मेरी बेटी जो है वो अपना मासूम थी, मतलब मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है, माँ बाप को पता ही नहीं होता कि वो दोस्त ने किसके साथ किसके साथ दोस्ती की, और फिर आप जानते हैं कि गेहूँ के साथ गुण पिसे आता है।
मतलब एक मैसेज देने की कोशिश की गई है इस फिल्म के जरिए कि माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किसके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, है ना, ताकि अगर कभी ये सिचुएशन आ जाती है तो उससे अनजान नहीं रहे, उससे क्या कहते हैं कि उसे मालूमात रहे कि भाई हाँ ये, तो वो माँ बाप को एक माँ बाप एक सबक दे सके कि बेटा वो लोग गलत है, ये लोग गलत है। इस तरीके से ये सब मिलजुल के एक से बनाया गया। और ऑफिसरों की क्या पोजीशन होती है, पॉलिटिशियंस कैसा दबाते हैं, ऑफिसर्स के ऊपर कितना दबाव होता है, छोटे ऑफिसर्स, बड़े ऑफिसर्स, DIG उसके ऊपर भी कोई लोग होते हैं, तो ये प्रेशर दिखाने की कोशिश की गई है, काफी फिल्मों में दिखाया गया है, बट सारा मिक्स इसमें इसमें हम लोगों ने मिक्स कर ताकि बोर भी नहीं लगे, एक बायस भी नहीं हो, और कोशिश ये की है कि हम लोग कहीं इसको कहीं कोई इसको लेबल भी नहीं करे कि कौन किस चीज को लेकर। लास्ट में दो शब्द में दीजिए, साउथ की और कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहा है क्योंकि साउथ की काफी ज्यादा चल रही है, तो क्या कारण था जिसके लिए आपको जो रुझान है वो गुजरात की ओर रहा? देखिए मैं जबकि मार्केट बहुत बड़ा साउथ का है। देखिए सुरेश कृष्णा जी जो है साउथ के डायरेक्टर, उनके साथ मैंने कभी जाकर नहीं, उसके बाद रामन्ना के साथ में तो काफ़ी पी एम तो कहा है, मतलब गद्दार ने की, आर्मी मैंने की, उसके बाद में AK-47 की, तो थोड़ा बहुत जब इतने साल 6-7 साल 8 साल उनके साथ में रहेंगे तो थोड़ा सा तो मतलब चीज़ें आएगी। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कॉपी किया कुछ। और फिर जो हमारे एक्शन वाले थे वो भी रामन्ना के साथ में एसोसिएट में काफ़ी काम किया उन्होंने। साउथ से एक चीज़ ये सीखी मैंने कि बहुत डिसिप्लिन होता है और काम से काम लोग रखते हैं काफ़ी। हमारे यहाँ बोलना नहीं चाहिए, हर आदमी दूसरे को काम सिखा रहा है, इससे बेहतर है कि अपना अपना काम करें, तो वो इस वजह से जो है वो लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं। हम लोगों ने काफ़ी साउथ में काम किया है। लेकिन सर पहले आप बता रहे हैं स्टॉक पर शूट होता था, अभी डिजिटल पर शूट हो रहा है, तो इसमें हमारा इंडस्ट्री पर कुछ फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा ना, बहुत पड़ा। देखिए क्या होगा कि सबसे पहली बात तो क्या है, डायरेक्टर और कैमरामैन इन लोगों के लिए बहुत इजी हो गया कि हमको ये सोचना नहीं कितना स्टॉक का कॉस्ट आ रहा है। पहली बात, आर्टिस्ट अगर 5 की जगह 6 रिटेक दे तो कोई टेंशन नहीं, आर्टिस्ट अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। कैमराज हैंडी हो गए, कई चीज़ें ऐसी है कि हम लोग लो लाइट पर काम कर सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसके। दूसरी बात यह कि हम ऑन द स्पॉट उसको एडिट करके इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, मतलब डेवलपिंग प्रिंटिंग का चक्कर नहीं है कि हम लैब में जाएंगे डेवलप होंगे और क्या होगा देखेंगे। VFX के लिए हमारे काबिल, देखिए न्यू टेक्नोलॉजी जब मतलब जब शुरुआत में मैंने मीडिया कंपोजर सीखा था एविट, तो लोग बोल रहे थे कि ये नहीं होगा, कोडेक कंपनी आएगी, इतनी बड़ी कंपनी थोड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन क्योंकि फॉरेन में आ चुका था, फिर मैं ग्राफिक्स के लिए कुछ कोर्सेस वगैरह की, तो आज जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऑन द स्पॉट आप यू कैन विजुलाइज एनीथिंग, आप जो है आपका विजुलाइजेशन जो है बहुत बढ़ जाता है, तो बेनिफिट तो है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अच्छा ये पवन जी जो है ये भी हमारे एक इन्होंने एक एनकाउंटर का रोल किया था, और ये ओरिजिनल इंस्पेक्टर भी, ओरिजिनल इंस्पेक्टर भी है, रियल इंस्पेक्टर। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है और मैं सीक्रेट सर्विसेज CSF 25 ईयर्स गवर्नमेंट में रहा, उसके बाद US लेके अभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एयरफोर्स। मैंने कभी फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं काम किया था, मुझे मौका दिया गया तो मैंने साबिर साहब का धन्यवाद कहूँगा कि हमने रियल तो पिस्टल वगैरह की है, कमांडो स्कोर्स की है, फायरिंग की है, लेकिन जो सर के साथ मजाक काम करने में आया बिल्कुल भी 1% दिक्कत नहीं आई। जैसे सर 5-5 शॉट देने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा 1 सीन में 2 सीन में ओके किए, तो बाकी फिल्म के अंदर जो मेरा अनुभव है ये सबको पसंद आएगी, इसमें बहुत शिक्षा भी है। और जैसे सर ने बताया कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चे किससे मिल रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप जुए घर में या कहीं गंदी घर में जाते हैं, पुलिस वहाँ पर रेड मारती है, चाहे आपने वहाँ पे शामिल होना हो लेकिन वो सबको उठा के लेके जाती है। तो इसलिए अपने फिल्म के थ्रू मैसेज आएगा कि अच्छे दोस्तों से दोस्ती करें, और आपके पेरेंट्स को आपकी गतिविधियों का पता होना चाहिए, अगर वो बच्चे कहीं गलत भी हैं तो उसके पेरेंट्स गाइड करते हैं। थैंक यू। हमारे साथ ही थे सब, रिहर्सल करके आज भी रिहर्सल कर रहे हैं। मेरा इस फिल्म में एक पेरिस का किरदार है, और अब स्टोरी क्या बताऊं मैं, काम करके मेरे को बहुत अच्छा लगा और आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। साबिर सर बहुत सीनियर हैं, बहुत, और उनके साथ आपको काम करके कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, मुझे इतना सीखने को मिला कि जब मेरा शॉट नहीं भी होता था तो भी मैं
4 घंटे 5 घंटे और मेकअप के साथ कॉस्ट्यूम के साथ रेडी रहता था और मैं ऑब्जर्व करता था सेट पे, क्योंकि सर का काम करने का तरीका और ये इतने सीनियर हैं तो ये बहुत सौभाग्य की बात है और मैंने इतना सीखा है इस फिल्म से, इतना सीखा है और सर से पर्सनली इतना सीखा है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं इस फिल्म में अब्बास का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो कि जो हीरोइन है मुस्कान, उसकी उसका भाई, बड़ा भाई, और ये एक अलग सा रिलेशन है भाई बहन का, बहन का जिस जितना अपने फैमिली के साथ नहीं है, मॉम डैड के साथ, उससे ज़्यादा रिलेशन, मतलब एक बॉन्डिंग भाई के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगा इस फिल्म में काम करके, और साबिर सर के साथ तो खैर क्या ही बोलूँ, बहुत ही मतलब ये क्लियर थे अपने कोई भी शॉट के लिए, कभी भी एक भी एक्स्ट्रा शॉट इन्होंने नहीं लिया, जो जितना लेना है उतना ही लिया, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये मेरा पहला फिल्म है इनके साथ, पहली फिल्म है, तो अच्छा लगा। के भाई का रोल जो है ना इनका बहुत इम्पोर्टेंट था कि सबसे पहले तो साहिब भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और इतना अच्छा लगा कि फिल्म कंप्लीट हो गई और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं थोड़ा सा लेट हो गया मैं, लेकिन साहिब भाई को मैंने बोला था कि मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा, मेरे ख्याल में डॉट टाइम पे मैं पहुंचा। तो खुशी इस बात की है कि फिल्म रिलीज हो रही है, सबसे बड़ी बात, फिल्में तो बन जाती हैं और न जाने कितनी फिल्में बनी हैं लेकिन रिलीज़ होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो रिलीज़ हो रही है फिल्म, इसकी बहुत खुशी है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं, मुबारकबाद, सारी चीज़ें, फिल्म टाइम पे रिलीज़ हुई है और बहुत ही गिवन डेट्स पे इन्होंने शूटिंग कंप्लीट किया है, सबसे अच्छी बात है, और बहुत ही स्मूथ शूटिंग हुई है। और जब मुझे ये रोल सुनाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जनरली मुझे जिस तरह के रोल मिलते हैं वो आपको मालूम है, है ना, कोई इंस्पेक्टर को दे दिया, कुछ कॉमेडी हो कुछ इस तरह कर, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लड़की के बाप का रोल है जो इमोशन है इसमें, सीरियसनेस है, और मेरी बेटी जो है एक शिकार होती है, धोखे का शिकार होती है, गलत लड़के के जंगल में पड़ करके उसका मर्डर होता है, इनकाउंटर होता है, तो जिस तरह के ट्रेलर भी बता रहा दर्शा रहा है जो, तो इस तरह के इनकाउंटर्स नहीं होने चाहिए, एक तरह से ये भी सबक है ये। और मेरी बस आप लोगों से गुजारिश है, मीडिया पर्सन अगर आज मीडिया वाले ही है जो फिल्मों को भी जो बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप अच्छा लिखेंगे और जितनी ज़्यादा तारीफ करेंगे उतना ही अच्छा इस फिल्म के लिए होगा। अब मेरा रोल बोला बताया ना मैंने, थोड़ा लड़की के बाप का रोल है, हीरोइन के बाप का रोल है एक्चुअली, और किस तरह से हम उस लड़के पे बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं और अपनी लड़की की शादी उससे करवा देते हैं, और वो लेके जाता है और उसको कहाँ उसने गलत राह पे उसको लगा दिया, और उस तरह से लड़की का हमारी बेटी का इनकाउंटर होता है, उसी सदमे में मेरी मौत भी हो जाती है फिल्म में, तो बहुत अच्छा इमोशनल था सीन, और मुझे करने में मज़ा इसलिए भी आया क्योंकि इस तरह के रोल्स मुझे बहुत कम मिलते हैं, तो आई एंजॉयड द रोल, बहुत अच्छा लगा। सर साबिर सर के साथ काम करके आपको कैसा लगा, आपने बहुत बड़े महान डायरेक्टर के साथ किया है? नहीं, हम मेरा तो ये रहता है कि डायरेक्टर कोई भी हो, जब हम चाहे वो साबिर साहब हो या फिर कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर राजकुमार संतोषी या हिरानी क्यों ना हो, तो हम अपना काम पूरा ईमानदारी से करते हैं और पूरी इज्जत देते हैं डायरेक्टर को। आप पूछ सकते हैं साबिर भाई से कि भाई डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, तो वो जैसा बोलेगा वैसा हमको करना, और हम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। पर साबिर भाई बहुत अच्छे रहे, बहुत प्यारे, स्मूथ, बहुत ही शांत, काम एंड क्वाइट, इन्होंने इस तरह से काम किया है बिल्कुल, बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से और सिंसियरिटी के साथ काम किया है, और वो देखने को मिलता है ट्रेलर में, दिख रहा है, फिल्म में भी देखेंगे आप, फिल्म बहुत अच्छी बनी। मुश्ताक सर, जैसे इस फिल्म के अंदर एक दिखाया गया है, अभी तक तो सब कुछ सही दिखाया है, लेकिन इसमें बार बार ये सुनने में आ रहा है मीडिया को फेक दिखाया है, तो आपको लगता है क्या मीडिया फेक है? मीडिया मीडिया नहीं, और समाज खान की पहली बात लग रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव इंस्पेक्टर का जो भी है, क्या करेक्टर क्या है समाज खान का? एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है और प्रशांत भाई भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, तो उनकी सिचुएशंस, उनके हालात जिस टाइप से होते हैं उस हिसाब से वो लोग अपना काम करते हैं, और
जो उनको ऑर्डर्स या इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स मिलती है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके हिसाब से अपनी ड्यूटी निभाता है। इस फिल्म के लिए सर सोसाइटी को क्या मैसेज? सोसाइटी को तो मैंने कहा था कि देखिए क्या है, जो पहली बात तो ये कि जो माँ बाप हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को जो है उस पर नज़र रखें कि उनकी दोस्ती किसके साथ में है, किसके साथ मिलते हैं, और अनजाने में जो है किसी के साथ में कोई ऐसे ताल्लुक बन जाते हैं जिससे फर्ज है, और पूरी मतलब और पूरी इंक्वायरी करना चाहिए लड़के की कहां से है, क्या है, कहां से आया, क्या कर रहा है। बहुत जरूरी है, ये एक सबक है बहुत जरूरी माँ बाप के लिए, कोई भी हो, कोई भी हो। कई लोग हैं जो मतलब मासूम है और कहीं कहीं फंसे हुए हैं सिर्फ दोस्ती की वजह से। हमारे जो प्रोड्यूसर है उन्होंने रियल स्टोरी पर ही फिल्म बनाई थी डार्क चॉकलेट, ये सब्जेक्ट भी उनका ही था, उन्होंने सेलेक्ट किया था कि इसके ऊपर हम लोग कुछ बनाते हैं इस टाइप का, और तब हम लोगों ने बनाया। और गुस्ताख भाई और हमारे और जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने पूरी टीम में इतना सपोर्ट किया कि आई एम सो मच थैंकफुल, मतलब सभी लोगों के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों का भी और पूरी टीम का, क्योंकि बिना किसी के कोऑपरेशन के कुछ काम नहीं हो सकता, टीम वर्क होता ही हमारे स्पॉट बॉय से लेकर आप तक। थैंक यू।